अच्छा, तो अरे तो बताना चाहिए ना कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो बता दो, तो बता दो। अच्छा, ये है यूट्यूब वाले बाबा जी, बहुत सारी भीड़ लगी है उनसे मिलने के लिए। देखिए मम्मी क्या क्या आइटम लेके आए हैं, दही, आलू टमाटर, अचार, और इधर है कचौड़ी है, या फिर हाँ कचौड़ी पूड़ी, इसमें दोनों हैं। और इधर गीता आंटी बैठी, और इधर बैठा हुआ हूँ मैं। और भाई बाहर बारिश हो रही है बट दिखाई नहीं देगी। और भाई साहब ये जो सामने देख रहे हो ना, ये कोई मंदिर नहीं है, ये स्टेशन है, ये जंक्शन है कानपुर का। मुझे पहले लगा भाई ये कौन सा मंदिर है इतना बड़ा सा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई ये जंक्शन है, स्टेशन। जा रहे हैं फतेहपुर की टिकट लेने, अभी हम लोग इस वाली लिफ्ट से उधर के आए थे, ये पीछे है, और अब जा रहे हैं फतेहपुर की टिकट लेने में गीता आंटी और मम्मी। गाइस लिफ्ट के सामने है यहाँ पे मंदिर, और ये है, इधर से हम लोग टिकट लेने जाएंगे इधर सामने से। भाई ये किसका पेड़ है भाई, है बरी का पेड़ है ये गाइस। और यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वगैरह खड़े हैं, और इधर देखिए भाई साहब बाइक्स की लाइन लगी हुई है। गाड़ी संख्या ये देखिए, ये है पूरा जंक्शन, और देखिए गाइस इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतनी बड़ी पार्किंग है और इतना बड़ा जंक्शन है। मुझे लगा पहले मंदिर है, लेकिन ये बाद में दिखाई दिया, ये है कानपुर सेंट्रल। और भाई पार्किंग बहुत बड़ी है यहाँ की, और ये है इधर शौचालय। और इस साइड भी देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इधर, और सामने मम्मी और गीता आंटी जाती हुई। अरे इसमें बीच में टर्री भी खड़ी है। अभी हम लोग फतेहपुर स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, और उजीता भी काफ़ी हो चुका है अब तो। अब हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, क्योंकि वहीं से है स्टेशन से निकलने का रास्ता, तो हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो चलो आप चलते हैं बाबा जी के पास, फिर से एक और बार यूट्यूब वाले बाबा जी के पास। ओके तो गाइस यहाँ पे फतेहपुर स्टेशन पे हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो हम लोग अभी यूट्यूब वाले बाबा से मिलने जा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बारिश ही बहुत तेज़ हो रही है, हम लोग स्टेशन से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो यूट्यूब वाले बाबा के पास कैसे पहुँच पाएंगे। आप आवाज़ सुनो भाई साहब, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, सुनो साहब कितनी तेज़ हो रही है, हम लोग इसी कारण निकल नहीं पा रहे हैं फतेहपुर स्टेशन से। और अभी 6:30 हो गए हैं, और हम लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं स्टेशन से। पता नहीं कितने बजे ये बारिश बंद होगी, फिर हम लोग निकल पाएंगे स्टेशन से। यार अब स्टेशन से निकल दिए हैं, और चल दिए हैं यूट्यूब बाबा के घर की तरफ। और भाई बहुत पानी बरस गया है ना, तो बहुत गंदी हो गई है रोड, इसलिए बहुत संभाल को चलना पड़ रहा है, फिसल ना जाए इसलिए। और पीछे मम्मी आ रही हैं और गीता आंटी, मैं आगे हूँ, और आपको एक बार रोड का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस रसमलाई रोड, इधर है रबड़ी, इधर है रसमलाई, उधर रसगुल्ले बढ़ रहे हैं, और उधर मम्मी और गीता आंटी हैं। और ये कितने हरे भरे वो पेड़ पौधे हैं, और एक ये टावर लगा है इधर, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। और ये पैसे निकालने के लिए ATM यहाँ पे आके गए, तब भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रोड सही है ना, ख़राब नहीं है। देखिए इतना छोटा सा प्यारा सा भगवान जी का मंदिर है, और मंदिर के सामने ये पीपल का पेड़ है, पता नहीं किसका, पीपल का है, पाकड़ का है, पाकड़ का है, मम्मी बता रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे पीपल के पेड़ पे भी जड़ें लटकती रहती हैं ना, इसलिए। और अभी तक तो सारी दुकानें बंद हैं, 7 बज रहे हैं ना अभी इसलिए। और गीता आंटी आगे आगे चल रही हैं, वो है सामने हाईवे, आपको दिखाई दे रहा हो तो। और हमें हाईवे से जाना है राइट। हम लोग नहा लिए हैं, और अब नहा लिए हैं, और होटल ले लिया था हमने, तो वहाँ पे नहा लिया आराम से। और अब हम लोग ये रूम खाली कर रहे हैं, और अभी हो रहे हैं टाइम 8:54 हो रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं बाबा जी घर तक कब तक पहुँचे, सॉरी स्कूल तक। और मम्मी भी रेडी हैं, और गीता आंटी मैं भी रेडी हो चुके हैं, और बहन भी अपना रेडी कर दिया है, तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, क्योंकि अगर लेट हो गई तो फिर ट्रेन भी तो निकल जाएगी।
गाइस एंटर कर चुके हैं बाबा के स्कूल पे, और बाबा शायद अभी है नहीं है क्योंकि इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। आप देख ही सकते हैं ये गाड़ी इधर खड़ी है और ये दो गाड़ी इधर खड़ी हैं, और अंदर भी बहुत सारी भीड़ लगी है, लेकिन बाबा जी पता नहीं हैं या नहीं है, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। हाँ आदमी दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाबा जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इनकी दूसरी वाली गाड़ी खड़ी है बाबा जी की। तो गाइस देखिए हम लोग एंटर करते जा रहे हैं बाबा के स्कूल के अंदर, और बाबा अभी तक तो दिखाई दिए हैं नहीं, तो देखते हैं आगे बाबा हैं या नहीं हैं। भाई साहब बहुत भीड़ लगी है यहाँ पे। मम्मी और गीता आंटी तो इधर बैठ चुकी है, वहाँ पे पहले टोकन मिलेगा बता रहे हैं, उसके बाद ही नंबर आएगा। एंड अभी बाबा जी तो आए नहीं है, यहाँ पे बाबा जी का ट्रैक्टर खड़ा है, वहाँ पे बस खड़ी है, उधर वैन खड़ी है, और इधर सारे झूले वगैरह लगे हैं बच्चों के लिए। और चल को आगे दिखाते हैं आपको। और सामने में बाबा जी की गाड़ी भी खड़ी है छोटी वाली, लेकिन बाबा जी तो थार से रहते हैं अब, तो बाबा जी थार से ही आएंगे, तो अभी थार है नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब बाबा जी भी नहीं है अभी, तो बाबा जी आ रहे होंगे थोड़ी बहुत देर में। और भाई साहब स्कूल एक नंबर से है, क्या गार्डन है भाई, और ये देखिए। बस अभी मैं एक झूले में आके बैठ चुका था, ये है मम्मी और गीता आंटी को दिखाता हूँ, और ये है गीता आंटी, इधर मम्मी खड़ी हूँ। भाई साहब बहुत सारी भीड़ लग गई है अभी तक, तो बाबा तो आए नहीं हैं, और देखिए इतनी सारी भीड़ भी लग गई है अभी तो, और भी बढ़ेगी ये देखिए। और पता है गाइस सबको एक टोकन मिलता है, पर्ची मिलती है, उसी के नंबर से आते हैं। मेरे को कितना नंबर मिला है मैं देखता हूँ अभी, ये देखिए गाइस मुझे 51 नंबर मिला है 51, और गीता आंटी को 52 मिला था, मुझे 51 मिला है। हमने दो ही नहीं लिए क्योंकि मेरा और गीता आंटी का चैनल बनने वाला है, इसलिए मतलब मेरा तो बना हुआ है बट गीता आंटी का बनने वाला है आज। हमने अपना आज पहला बार चैनल बनाया। हाँ गाइस तो आज गीता आंटी भी यूट्यूबर नहीं बनने वाली हैं, मम्मी कह रही हैं बाबा जी से बनवाएंगी चैनल। और गाइस देखिए बहुत सारी भीड़ लगी है, बहुत सारी भी, तो धीरे धीरे आदमी आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना, सब्सक्राइबर करना, ठीक है। सब्सक्राइबर अभी कह नहीं पाती हैं, मतलब उनके हिसाब से सही है। ये देखिए गाइस बहुत सारी भीड़ लगती है, एक के बाद एक आदमी आया जा रहा है, आया जा रहा है। बाहर देखिए ऑटो ट्री वगैरह सब खड़े हैं, बाबा जी फाइनली आ चुके हैं। ये देखिए बाबा जी की थार, ये देखिए गाइस बाबा जी को घेर लिया गया है भीड़ में। ये बाबा जी की थार खड़ी है उधर, बाबा जी की थार, और बाबा जी को ले जाया जा रहा है पता नहीं कहाँ किडनैप करके। बाबा जी किधर गए, बाबा जी, बाबा जी तो दर्शन भी नहीं ले रहे। किधर हैं बाबा जी, ये रहे बाबा जी बीच में। तो वैसे देखिए उधर हैं बाबा जी, अरे दीदी नमस्ते। ये देखिए गाइस कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, बाबा जी तो अब दिखाई भी नहीं दे रहे किधर गए।
ये देखिए बाबा जी का स्कूल अंदर से कुछ ऐसा है, और इस रूम में बाबा जी सबको मिलने के लिए बुला रहे हैं। और यहाँ पे इतनी कुछ भीड़ लगी हुई है। बाबा जी बाहर आ चुके हैं। बाबा जी से मिल लिए हैं और अब स्कूल के अंदर आ चुके हैं। हम लोग ये देखिए स्कूल के बिल्कुल बीचों बीच में बाबा जी ने मंदिर लगवाया है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इधर हम बैठे थे अभी, और इधर है मंदिर, और इस साइड चल के देखते हैं क्या सीन है। तब हम लोग जा रहे हैं यूट्यूब वाले बाबा से मिल के। ओके तो चलो चलते हैं। गाइस तब हम लोग जा रहे हैं बाबा जी के स्कूल से, और देखिए कितनी भीड़ लगी है अभी भी। तो चलो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और ये बाबा जी की एक गाड़ी खड़ी है। ये इधर बच्चों के झूले लगे हैं, और ये झूले झूल रहे हैं बच्चों उधर। और ये बाबा जी की गाड़ी खड़ी है जो बाबा जी ने पहले निकाली थी। और इधर देखिए कितनी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। करते हैं स्कूल को बाय बाय, और चलते हैं अब यहाँ से। गाइस ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग हो रही है फतेहपुर स्टेशन के सामने, इधर वहाँ तक हो रही है, यहाँ से शुरू हो के। और हम लोग पहुँच चुके हैं फतेहपुर स्टेशन पे। Thank you.